व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। कल किसी ने मुझसे सवाल किया कि गूगल एक दिन में कितने पैसे कमाती है, तो मैंने सोचा इस पे आप लोगों को एक वीडियो बना के देना चाहिए जहां पे आप लोगों को मैं बताऊं कि वेबसाइट्स जो है अर्निंग किस तरीके से करती है। अगर आप किसी गाँव में जाएंगे और ये पूछेंगे लोगों से कि गूगल क्या है, तो इंडिया में फ़िलहाल बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको गूगल के बारे में नहीं पता या फिर उनको वेबसाइट्स के बारे में इतना नहीं पता, तो वो कहेंगे कि यार एक वेबसाइट है ना, ठीक है ना, क्या है। आपको सिर्फ google.com दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता होगा ना। मतलब जिनको नहीं पता उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिन लोगों को टेक्निकलिटीज़ पता है उनको तो अंदर का सच पता है, तभी ये जो लोग हैं जिन्होंने गूगल बनाया है या फिर जो गूगल के CEOs हैं उनकी जो मंथली अर्निंग है वो करोड़ों अरबों रुपये में है। तो ऐसे में दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर अगर हम गूगल वेबसाइट की अर्निंग की बात करें तो गूगल जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाली वेबसाइट है। एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे जो लोग हैं सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे एंगेजमेंट जो रहता है वो गूगल पे है। नंबर वन वेबसाइट है दुनिया की। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि गूगल की पर डे की कमाई, तो आप सुन के शायद हैरान रह जाओगे, क्योंकि गूगल जो है ये मैंने जो डेटा है साइट वर्थ नाम की जो वेबसाइट से उठाया है, जो कि एक आप कह सकते हैं कि वेबसाइट्स कितना अर्न करती है उसके बारे में बताती है। ये वेबसाइट भी टोटली एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि टोटली एक्यूरेट अर्निंग किसी को भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे वेबसाइट्स जो है वो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ किस किस तरीके से कमाती है। पहला जो तरीका है जिससे वेबसाइट कमाती है वो है एड्स, यानी कि आप जो है अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उस पर जो एड्स आते हैं जो कि गूगल एडसेंस की तरफ से आते हैं उससे कमाती है। जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो साइट पे एड्स आते रहते हैं, तो उससे भी गूगल कमाती है। ये जो मैं डेटा आपको बता रहा हूँ या फिर ये जो तरीके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सभी वेबसाइट्स पे लागू होती है, कि यानी कि जितनी भी वेबसाइट्स है आज की डेट में वो सभी इसी तरीके से कमाती है। अर्निंग जो मैं आप लोगों को लास्ट में रिवील करूंगा, तो उसके लिए थोड़ा सा देर आप बने रहो इस वीडियो में। दूसरी चीज़ जिससे एक वेबसाइट कमाती है वो है एफिलिएशन से। एफिलिएट लिंक्स जो होते हैं एक वेबसाइट उससे कमाती है, यानी कि मान लो कोई प्रोडक्ट बेचने का लिंक गूगल में साइट पर डाल दिया, आप लोगों ने उस प्रोडक्ट को बाय किया गूगल के लिंक से, गूगल के एफिलिएट लिंक से, तो उसको फ़ायदा हो गया। तीसरी चीज़ जो गूगल कमाती है, ये सिर्फ गूगल के केस में है, बाकी वेबसाइट के केस में नहीं होता, कि गूगल खुद भी तो एडवर्टाइज़ करता है ना चीज़ों को, सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जैसे कि गूगल का एडसेंस है, गूगल का एडवर्ड है जहाँ पे जो है आप अपने एड्स दे सकते हो, राइट। तो उससे जो है गूगल अर्निंग करती है। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे ऐसी सर्विसेज जो गूगल प्रोवाइड कराती है उसके गूगल पैसे लेती है, फ्री नहीं है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ सिर्फ एड से गूगल की जो साइट वर्थ नापी गई है वो $10 million पर डे कमाती है। ये भी एक्यूरेट डेटा नहीं है, ये जो एक्चुअल डेटा होगा वो कहीं ज़्यादा है। इस वेबसाइट के हिसाब से गूगल की जो टोटल साइट वर्थ है, जो कि गूगल की टोटल वर्थ है, वो है $103 billion। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, $103 billion, और वो भी करीबन 20 साल के अंदर ये चीज़ें हुई है। गूगल 98 में शायद शुरू हुआ था, राइट। तो इन सालों में गूगल ने इस लेवल का मुकाम हासिल कर लिया। मैं आप लोगों को बता दूं गूगल का 2018 का डेटा मेरे पास है, तो उस हिसाब से गूगल ने 2018 में जो गूगल का नेट प्रॉफिट था वो था $279 billion। ये 2018 का डेटा है। अगर मैं मार्केट वैल्यू की बात करूं तो गूगल की, तो आज की डेट में गूगल की मार्केट वैल्यू होगी $400 से $500 billion के करीब, राइट। अब आप सोच सकते हैं कि गूगल इतने पैसे कमाता है, और जिन लोगों को नहीं पता ना ये बातें उन लोगों के साथ शेयर करो, ताकि उन लोगों को इंटरनेट की पावर के बारे में पता लगे, राइट। आज की डेट में इंटरनेट आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई। उम्मीद करता हूँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और बहुत सारे वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए डिजिटल लर्निंग से रिलेटेड, ट्यूटोरियल से रिलेटेड बनाए हुए हैं। कुछ वीडियोस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बाकी आप हमारे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को डिजिटल अवेयरनेस फैला सकूं, डिजिटल जो चीज़ें हैं वो आप लोगों तक बता सकूं। तो दोस्तों संडे का मौका है, अपना संडे एंजॉय करो। एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बना के दे दिया था। जल्दी अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।